आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। उसके लिए बेसन 2 बाउल बेसन है, आधा किलो बेसन है, और 1.5 बाउल चीनी है पीसी हुई, 5-6 इलायची है ऐसे कुटी हुई, देसी घी, ये खरबूजे के बीज और ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम। 1 बाउल हमने घी लिया है, उसके अभी हम आधा ही डाल लेंगे इसमें। ये हमने बेसन लिए, आधा किलो बेसन है, इसको हमने दाल से बनाया है। ये दाल को ऐसे आधा किलो हमने दाल ली, उसको ऐसे रोस्ट किया पहले, उसको स्लो गैस पे रोस्ट किया है, उसके बाद ऐसे ब्राउन है, उसको फिर मिक्सी में पीस लिया, इसको छान छान के मिक्स पीसा और छानना, फिर पीसा और छानना, इसको ऐसे पीस लिया, इसका दरदरा सा बेसन पीस लिया। इसके बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और इसको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। अभी इसको 4-5 मिनट हम भूनेंगे। अभी इसके अंदर घी के अंदर हम घी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे इसको। ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा टिकने वाले लड्डू बनते हैं। अभी हमारा जो बेसन है 5-6 मिनट हो गए, इसको भूनते भूनते ब्राउन हो चुका है, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये हम खरबूजे के बीज 2 स्पून ये डाल देंगे, अच्छे लगते हैं ये। ये इलायची 6-7 इलायची का पाउडर है, और ये 10-12 बादाम है और 10-12 काजू है, इसको बुरी बुरी काट लिया, इसके अंदर डाल देंगे। अभी 1-2 मिनट और भून लेंगे हम, इसके साथ भून जाएगी ड्राई फ्रूट्स। 1-2 मिनट हमने बेसन को और भून लिया, अभी इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम चीनी डाल देंगे। हमारा जो बेसन है हमने भूना हुआ है, वो ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर चीनी डाल देंगे हम। इसके हमारा 500 1/2 kg जो बेसन है हमने लिया था, और इसके अंदर हम 300 ग्राम ऐसे 350 ग्राम चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। वैसे आप हिसाब से जैसे मीठा ज़्यादा खाते हो कम खाते हो वैसे डाल सकते हो। हम इसको डाल के टेस्ट करके देख लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हमने जब अच्छे से मिक्स कर ले चीनी, हमने 1 बॉल चीनी डाल ली है, 2 बॉल में से ना हमारा 1/2 बॉल इसमें घी डालना है। इसको एकदम परफेक्ट आया, घी ज़्यादा नहीं है। कई बार घी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा आप ऐसे आटा हमने भून के रखा है, सूखा ड्राई आटा है, इसको जब बेसन में भून सकते हो, इसके अंदर 1-2 स्पून डाल सकते हो। कई बार बेसन कम हो घी तो आप बाद में डाल सकते हो गर्म करके। अभी हमारा बिल्कुल एक ठीक आया, ना ज़्यादा ना कम है, इसको लड्डू बना लेंगे इसे। ऐसे लड्डू बनाएंगे, बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं, काफ़ी देर तेल है। हमारे रोस्ट की हुई दाल को चने दाल के बेसन रेडी है।